हमारे प्यारे पतिदेव की तरह कौन है चाय के दीवाने। तो सुबह सुबह में बन रही है मस्त चाय अदरक वाली, तो चलो सब लोग आ जाइए, पीते हैं हम मस्त मस्त चाय। हेलो फ्रेंड्स, केम छो, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस आज है ना सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा भागम-भागी हो गई, क्योंकि उठने में मुझे सिर्फ 10 मिनट लेट हुआ था। मुझे सब्जी बनानी थी मानवीर के लिए मस्त वाली, लेकिन पालक की, और पराठे भी बनाने थे, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था तो मैंने परोठे नहीं बनाए हैं, अभी बाद में बनाऊँगी, क्योंकि वो आकर ही खाएगा उसे तब भी चलेगा। और अभी मैंने रोटली बना दी है और उसके लिए थोड़ी सी सब्जी बना दी उसके पसंद की। और अभी किचन की हालत देखिए, अब सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच मैं अभी बना लूँगी, क्योंकि फिर वॉइस भी नहीं करने देती हैं। तो बस ये सामान भी सब भी खेल के ही रखा है, कल रात को लेट आए थे तो अब ये सब भी सही करना है। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज का काम, और फिर फटाफट से मुझे वीडियो भी करना है। और फ्रेंड्स आज देखिए मौसम बहुत ही मस्त है, बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है, हो नहीं रही है, दो दिन से अंधेरा हो गया है, अभी थोड़ी थोड़ा गिर रहा है लेकिन नहीं आ रहा है, सही से नहीं आ रहा है। अब ये सारा सामान तो बिखरा ही पड़ा है, बस सब कुछ ढक देती हूँ और वही तो जा गई है, तो पहुँचाना पड़ेगा, बाद में होगा सब। चलिए तो अब वैश्विक का मूड हो चुका है सेट और वो पापा के साथ खेल रही है, तो सोचा सबसे पहले तो मैं कपड़े ही धोने के लिए डाल देती हूँ, फिर बाकी काम होगा तब तक धुल जाएंगे। अब कुछ सामान कम करना था, तो एक मेरा ये जो वॉशिंग पाउडर का डिब्बा था उसके अंदर थोड़ी स्पेस बनी थी, तो बाकी जो वॉशिंग आइटम थी वो सोचा चलो इसी के अंदर ऐड कर लेती हूँ, तो एक बॉक्स कम हो जाएगा। और ये आइटम मेरी DIY है, मैंने साड़ी का या दुपट्टे का फैब्रिक लेकर इलास्टिक लगाकर बना सकते हैं, किसी भी टोकरी के ऊपर बहुत इजीली आ जाता है। तो मैंने फ्रूट और सब्जियों को वॉश कर लिया था, तो जो यूज़ करने थे उसे मैंने इस तरीके से ढककर बाहर रख दिए थे। अब मैं फटाफट से कर रही थी किचन क्लीन। बारिश थोड़ी बड़ी है, अभी डोरमैट को उठा लेती हूँ, ये बाहर की साइड है तो पूरा गीला हो जाएगा। आज एकदम मस्त लग रहा है, बारिश स्टार्ट भी हो गई है, अच्छा हुआ बच्चे स्कूल पहुंच गए होंगे आज, बार से बाइक से ही छोड़ने गए थे, पर कार से नहीं गए थे। गमले भी एकदम खुशखुशाल लग रहे हैं, सारे पौधे जैसे मुस्कुरा रहे हों। सो गाइस सब्जी हो गई है रेडी और थोड़ा सा काम बाकी है, लेकिन अभी वैशु आ गई है तो थोड़ा टाइम वैशु के साथ बिताते हैं। वैशु सो गाइस धनाधन बारिश हो गई है शुरू, जोरों से बारिश स्टार्ट हो गई है आज, और घर के अंदर पानी आ रहा है थोड़ा, तो दरवाजा बंद करना पड़ेगा अब। बारिश वाला एकदम मस्त मौसम था, लेकिन इस मौसम में मैं अभी करने जा रही थी एक मुश्किल काम, जो है वैशु के बाल बनाना। वैशु को बाल बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कितने जुगाड़ करने पड़ते हैं, कितना उसे लालच देना पड़ता है तब जाकर वो बैठती है, और उसमें भी बीच बीच में कहीं कहीं बार वो भाग जाती है, तो बहुत मना मना कर समझा समझा कर उसके बाल बनाना पड़ते हैं। छोटे बच्चे को संभालकर साथ में घर का काम संभालना, या फिर वर्किंग वूमन है तो उन्हें बाहर का और घर का सब काम संभालना कितना मुश्किल होता होगा। पहले ऐसा लगता था कि एक बच्चे को संभालकर घर का काम तो इजीली कर ही सकते हैं, लेकिन जब बच्चे छोटे हैं ना तब भी ये समझ में आता है कि भाई बहुत बहुत मुश्किल काम है ये। जिनके बच्चे नहीं होते ना छोटे, उन्हें तो ऐसा ही लगता है कि भाई ये पूरा दिन क्या करते हैं, लेकिन जिनके बच्चे छोटे हैं उन्हें ही समझ में आता है कि भाई पूरा दिन पूरा ही नहीं हो पाता है, बहुत टाइम कम पड़ जाता है। तो गाइस कल हम वैश्वी के लिए एक नया ब्रश लेकर आए हैं,
तो ब्रश को उसने वहां पर फेंक दिया है और उसके खाली पेपर से वो खेल रही है। उसको ब्रश में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ब्रश फेंक दिया है। अब पापा आए हैं तो पापा के सामने स्माइल कर रही है। वैशु ब्रश नहीं जो ये हमें लगा कि चलो वैशु के अब दांत आ गए हैं, ऊपर के चार और नीचे के सिर्फ दो आए हैं, तो ब्रश लेकर जाते हैं, लेकिन वैशु को कोई इंटरेस्ट नहीं है ब्रश में। दीपावली आने वाली है तो मैंने भी छोटे छोटे काम शुरू कर दिए हैं। अब ये एक बड़े बॉक्स में थी, इतनी ज़्यादा दूरियां हैं, सब उलझी हुई थी, तो सबको अच्छे से सेट कर लिया है और एक बॉक्स में मैं अच्छे से इसे संभाल के रख रही हूँ, क्योंकि डोरियों की बहुत जगह पर ज़रूरत पड़ जाती है। अब चेतन को मैंने पहले ही खाना खाने के लिए बिठा दिया था, क्योंकि वैसे एक साथ तो दोनों को बिल्कुल खाने ही नहीं देती, तो पापा के साथ वो भी खा रही थी। बारिश आने से मजा तो बहुत आता है, पर बारिश के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, जैसे कपड़े सुखाने की। और अभी अभी आए हैं तो मैंने स्टैंड नहीं लिया है, अगले साल सोच रहे हैं ले लेंगे, मतलब आने वाले साल ले लेंगे। अभी तो वहाँ पर तो इतनी बड़ी आगे की साइड लॉबी थी ना, तो कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी, इजिली बाहर सब कुछ हो जाता है, कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो अभी यहाँ पर कपड़े सुखाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, घर के अंदर ही लंबी सी डोरी बांध ली है अभी तक, अब देखते हैं आगे आगे, क्योंकि है ना सारी चीज़ों को जब जरूरत नहीं होती है तब रखना भी पड़ता है ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, थोड़ी मुझे जगह कम पड़ रही है, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो धीरे धीरे मैं उसे निकाल दूंगी, तो बाद में कुछ नई चीज़ें खरीदेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस साल तो मैंने सोचा बस ऐसे ही निकाल लेते हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा बारिश खिंच भी गई थी, डेढ़ महीना हो गया, डेढ़ महीने के बाद बारिश आई, काफी सब लोग है ना बहुत ज्यादा राह भी देख रहे थे बारिश की। अले मोटा हाथी, चिड़िया रानी, मुझे पता था इसे मजा आएगा, कपड़े यहाँ पर मैं टांगूंगी तो ये इसमें लटकेगी, पूरे गिरा देगी। सब कुछ चेक हो रहा है। वैशु सो कर रहे तू? तो सारे कपड़ों की लाइन यहाँ पर कर दी है, इतनी लंबी या रूम तक पूरे में। और अब है ना वैश्वी के कुछ गीले कपड़े हैं, अभी तो मैं उसे डायपर पहना दूंगी, क्योंकि अभी सूखेंगे ही नहीं उसके कपड़े, फिर तो ज्यादा नहीं होंगे। और ये है ना स्टैंड जो हमने गमले रखने के लिए बनवाया था ना, उसे मैं अभी यहाँ पर रख दूंगी अंदर की साइड, तो गीले कपड़े वैश्वी के उसी में सुखा दूंगी। और इसे देखिए पापा चाहिए तो बाहर खड़ी है, पापा 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 के आने का इंतजार कर रही है। बारे नहीं जाओ ना, देखा वाह बीनू बीनू है, बीनू बीनू है, आओ 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 अंदर आओ अंदर आओ, चलो आपने छपाई करी। मुझे बस थोड़े से कपड़े सुखाने थे, लेकिन वैसे मुझे सुखाने ही नहीं दे रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसे चेयर के ऊपर बिठा देती हूँ, लेकिन चेयर को भी वह इस तरीके से हिलाने लगी, मुझे लगा कि चेयर के साथ ही ये गिर जाएगी, तो फिर मैंने उसे नीचे उतार दिया। वैश्वी सो गई थी तो मुझे लगा फटाफट से सारे काम कर लेते हैं, तो मैं वीडियो कर रही थी, लगभग का हो गया था, बस एंड बाकी है, ये मैडम जाग गए हैं, तो बस अब कुछ नहीं होगा, यहाँ कहाँ पर चढ़ेगी। और यहाँ पर देखो अभी पानी गिरा दिया, पता नहीं कब किसने रख दिया होगा, मैंने रखा था या फिर उसके पापा ने थोड़ा सा दिया होगा। क्या जाओ चो? यहाँ पर देखिए मानवीर का इंतजार कर रही है, अभी बुला रही है, यहाँ से भाई नहीं आता है पूरा, तो बोलते बा बा ऐसा। और आज वीडियो बना रहे थे इसके लिए, देखिए इतना सारा सामान फैला दिया है मैंने। और ये देखिए आज है ना दादी का जो पुराना गाउन था ना, उसी का एज अ अस्तर यूज हुआ है, तो ये पूरा फाड़ दिया है, जैसे कि पुराना हो गया था, रिजेक्ट कर दिया था दादी ने। और आज मैंने क्या बनाया पता है, बस थोड़ा सा ये बचा था इतना सा, देखिए बाकी सुहरा हो गया है इसका, रेडी है ये, मैं एक पीलो का कवर बना रही हूँ, कुशन का कवर डिजाइनर, अभी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, बाकी दो भी बनाए हैं, टोटल मैंने तीन बनाए हैं, तो दो अच्छे थोड़ी सी डिजाइन बनाई है मैंने, और उसमें से जो कपड़ा बच रहा था ना टुकड़े टुकड़े, उसमें से मैंने ये बनाया है टुकड़ों को ज्वाइन करके, जो अभी मैं फिनिश कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सो फाइनली गाइस ये मेरा बनकर रेडी हो चुका है, और यहाँ पर मैंने जिप का भी यूज नहीं किया है, तो आप इस तरीके से विदाउट जिप बना सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे डिजाइन के कुशन कवर। तो ये वाला जो है ना वो तो बचे हुए कपड़े से मैंने बनाया है, इससे पहले ये वाला मैंने बनाया,
देखिए एक ये वाला, ये एकदम कॉमन डिजाइन है लेकिन बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। यहाँ पर देखिए ये कपड़ा जो था इसकी लेंथ कम थी तो ऊपर मैंने ये वाला लगा दिया। वैसे भी ये डिजाइन मैं कल डीमार्ट गई थी ना तो अभी देखी थी, काफी ज्यादा कॉस्टली थे वहां पर ये वाले, तो मैंने सोचा चलो मैं भी बनाती हूँ। कल ही मैंने सोच लिया था कि मैं इसे बनाऊंगी और आज ही ये मेरा आइडिया अमल में आ गया, नहीं तो इतना जल्दी नहीं आता है। तो ये इस तरीके से देखिए दो कपड़ों को मिक्स एंड मैच किया। यहाँ पर आप इसमें से जो भी कलर है इसमें से कोई भी कलर ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर पिंक कलर लिया है। और ये है ना साड़ी की लेस है, लेस थोड़ी मुझे ये पतली लग रही थी तो मैंने दो लेयर्स लगाई हैं, एक लगाकर ऊपर दूसरी लगा दी, तो इस तरीके से थोड़ा चौड़ा बॉर्डर लग रहा है। तो हो गया सिंपल, यहाँ पर ये दो कपड़ों को ज्वाइंट करके ऊपर लेस लगा ली और यहाँ बैक साइड पर देखिए दो कपड़े लेने हैं हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और दोनों कपड़ों को लेना है फिर ओवरलेप करके हम अटैच कर लेंगे और राइट साइड कपड़ों के अंदर रखकर हमें चारों ओर से राई कर लेनी है। तो ये हमारा कुशन कवर बनकर रेडी हो चुका है। अब जो दूसरी डिजाइन है वो मैंने इस तरीके से बनाई, ये वाला बीच वाला जो कपड़ा है उसके साइड में मैंने इस तरीके से दो पिंक कलर के स्ट्रिप अटैच करी है। तो ये भी हो गया, अगर छोटा कपड़ा है तो आप साइड में एक्स्ट्रा कोई भी कपड़ा ऐड करके कम कपड़े में भी इसे डिजाइनर बना सकते हैं। वैसे जब कपड़ा कम होता है ना तभी ये नई नई डिजाइन आती है, और ये दो बनाने के बाद जो छोटे छोटे पीस बचे थे उसी का यूज करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कम हो रहा था तो इस तरीके से और भी स्ट्रिप अटैच कर रही है, तो और भी ये सबसे ज्यादा मुझे सुंदर लग रहा है, बचे हुए कपड़े से बनाए तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो आपको इनमें से कौन सा वाला अच्छा लगा जरूर बताना, और अभी दीपावली आने वाली है तो आप लोग जरूर ट्राई करना, छोटे छोटे कपड़ों का इस्तेमाल करके आप खुद ही बना सकते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी डिजाइन के कुशन कवर। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि खुद की बनाई हुई चीजों को इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए अब इसे मैं नीचे सोफा के ऊपर रखूंगी, और अगर आप प्रॉपरली इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं ना तो ये टॉप थ्री वर्ल्ड में और नेचुरल लाइफ में आज ही अपलोड होने वाला है, तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं, मतलब कि जब तक ये ब्लॉग आया होगा तब तक ये हो चुका होगा अपलोड, आप लोग वहाँ पर देख लेना। सो फ्रेंड्स खाना खा लिया है हमने, आज बनी थी भाकरी सब्जी और खिचड़ी, और बर्तन साफ करना बाकी है अभी मुझे, और ये देखिए वैश्वी ने सब कुछ फैला के रखा है, ये भी क्लीन करना बाकी है, लेकिन वो अभी सो नहीं रही है, 10:30 बज गए हैं तो मैं जा रही हूँ उसे सुलाने के लिए, तो पहले सुला देती हूँ बाद में ये सब कर लेती हूँ। आज तो प्रांसी भी यहीं पर आई हुई थी तो सोने से पहले देखिए तीनों भाई बहन कल चॉकलेट लेकर आए थे, छुपा कर रखी थी मैंने, लेकिन मानवीर को बस यही याद था कि चॉकलेट कब दोगे मम्मी, चार चॉकलेट थी तो वो दो कल ही खा गए थे, अभी दो बची हुई थी, वैसे तो इतना ज़्यादा नहीं खाती है पर दोनों भाई बहन खा रहे थे तो उसे देखकर बस उसे भी चाहिए था, तो ये एक दो चॉकलेट थी तो एक मानवीर और प्रांसी ने खाई और बाकी एक चॉकलेट में से मैंने चेतन और वैश्वी ने खाए। सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना शेयर करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं कल अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।